कोरोना संक्रमण की रफ्तार थोड़ी धीमी होकर अब राहत दे रही, लेकिन इधर ब्लैक फंगस ने परेशानी बढ़ा दी है। जमशेदपुर में इस बीमारी के दो नए मरीज मिले हैं। वहीं आदित्यपुर के 34 वर्षीय युवक की ब्लैक फंगस से मौत हो गई। रांची के रिम्स में 4 संदिग्ध समेत ब्लैक फंगस के 5 मरीज भर्ती हैं। तो जहां कोरोना से राहत देने वाली खबर मिल रही है कि अब आंकड़े कम हो रहे, वहीं ब्लैक फंगस अब लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है और एक खौफ भी लोगों में अब हो रहा है इस ब्लैक फंगस को लेकर। इसके मरीज झारखंड में लगातार बढ़ रहे हैं। जमशेदपुर में ब्लैक फंगस के 2 नए केस मिले हैं, जिससे जमशेदपुर वासी थोड़े खौफजदा जरूर हो रहे हैं। रिम्स में भी एक ब्लैक फंगस का मामला, 4 संदिग्ध, जैसे 5 मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। और कोरोना की जो रफ्तार है वो धीमी हुई है, वो राहत देने वाली है, लेकिन इस बीच ब्लैक फंगस लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रांची से अंजनी जुड़े हुए हैं। कोरोना पर इनसे जानकारी हासिल करते हैं, क्या हालात फिलहाल नजर आ रहे हैं। प्रभात, पहले आपके पास चलते हैं। कोरोना की जो आंकड़े अभी आ रहे हैं, जो संक्रमण की दर है वो थोड़ी राहत दे रही है, संक्रमण की दर घट रही है, ठीक होने वालों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ब्लैक फंगस ये एक लोगों के लिए नई परेशानी बन रहा है। जमशेदपुर में 2 नए मामले सामने आए हैं। प्रभात, बिल्कुल आशा। देखिए, पहले मैं आंकड़े के बारे में बता देना चाहता हूं कि पिछले 2 दिन की, अगर 3 दिनों की बात करें तो आंकड़े में जरूर कमी आई थी, लेकिन कल के आंकड़े फिर से बढ़ गए हैं। 784 पॉजिटिव केस आए, हालांकि स्वस्थ होने का भी आंकड़ा बेहतर हुआ है, 900 के आसपास स्वस्थ होकर घर गए, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डराने चौंकाने वाले हैं। कल भी 17 लोगों की जाने गई है कोरोना से। ये हम कह सकते हैं कि 2-3 दिनों का जो आंकड़ा था वो थोड़ा घटने लगा था, लेकिन फिर से कल की अगर आंकड़े बात करें तो आंकड़े फिर से बढ़ गए। ये कहीं ना कहीं पूर्वी सिंहभूम के लिए चिंता का विषय है। आपने दूसरी प्रश्न किया कि ब्लैक फंगस, बिल्कुल सही कहा आपने कि ब्लैक फंगस का 2 केसेस सामने आया है। एक आदित्यपुर का केसेस है जो व्यक्ति की मौत हो गई, हालांकि उसे किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं था, लेकिन कोरोना होने के बाद ब्लैक फंगस हुआ और उसकी मौत हो गई। तो कल टाटा स्टील के जो TMH के जो मैनेजर हैं, उनका कहना था कि अभी जो ब्लैक फंगस आ रहा वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन गया, और वैसे में जो दवाइयां हैं वो भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। वैसी दवाइयों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को लिखा गया है कि जल्द से जल्द उसको, उससे निपटने के लिए, उससे लड़ाई लड़ने के लिए, उससे जंग लड़ने के लिए वैसी दवाइयों की उपलब्धता कराई जाए, ताकि जो ब्लैक फंगस का जो डर बना हुआ है आने वाले दिनों में ये और भी खतरा हो सकता है। और इसको लेकर तो वो कल एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोग अपील किए थे और राज्य सरकार से अपील की कि जल्दी से जल्दी इसकी दवाई मंगाई जाए ताकि लोगों को इससे बचाया जा सके। हालांकि अगर हम दूसरी अगर बात करें तो जो अभी तीसरा वेव आने वाला है बच्चों को लेकर, उसको लेकर टाटा हॉस्पिटल अभी से तैयारी शुरू कर दी है, ताकि जो बच्चों का जो वार्ड है वो बच्चों के लिए ऑक्सीजन युक्त बेड हो या फिर बेड हो, उसको लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और लोगों को डॉक्टरों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो कहीं ना कहीं अपना योगदान दे, ताकि जो तीसरा वेव आने वाला उस जंग से हम लड़ाई लड़ सके, उसको हम पार पा सके। लेकिन अगर हम पूर्वी सिंहभूम में अगर बोले आशिया, तो कहीं ना कहीं चौंकाने और डराने वाले आंकड़े अभी भी आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी ओर से हर प्रयास कर रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके। सुबह के वक्त मैं बता दूं कि सुबह के वक्त CTSP ADM लॉ एंड ऑर्डर ने जो बेवजह लोग घूम रहे थे उसमें से करीब 60 लोगों को
विभिन्न जगहों से अरेस्टिंग की है और उनकी पूरी जो अरेस्ट करके उनको जो कैंप जेल बनाया गया मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल में वहां रखा गया और वहां पे उनकी कोरोना टेस्ट की जाएगी। उसके बाद जो कोविड उल्लंघन का मामला है उन्हें दर्ज कर उसके बाद पीआर बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा। एक मामला और है जो टाटा स्टील के जो कॉन्ट्रैक्टर्स लेबर है वो एक मारुति वैन में 9 लोग सवार थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले थे। जो एडीएम ने कहा कि ये इस तरीके से अगर लोग एक एक गाड़ियों में छोटी गाड़ियों में इतने लंबे मारुति वैन में इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये खतरा बढ़ता है, तो उसमें से 4 लोगों को उतार कर भेज दिया गया घर और 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन पर FIR भी की जा रही है। तो समझा जाता था लोग थोड़ी सी अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित रखने के लिए ये सारी चीज़ें जो छूट दे रखी है या कंपनी में काम करना हो या फिर एसेंशियल सर्विस हो इन सब को लेकर सरकार और प्रशासन ने छूट दी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका गलत फ़ायदा उठाएं, इसीलिए सुबह से ही प्रशासन के लोग मुस्तैद हो जाते हैं, चाहे वो चेक पोस्ट की बात करें या फिर लोग जो बिना बेवजह घूम रहे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी की बात हो। ऐसे आप समझा सकते हैं 60 लोग ऐसे थे जिनके पास ई पास नहीं और बेवजह घूम रहे थे, इस वैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया और कल भी गिरफ्तार की गई थी, करीब करीब 100 लोगों से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया था और 47 लोगों पर FIR दर्ज की गई थी और कल भी टेस्ट किया जाता। तो प्रशासन अपनी तरफ से हर प्रयास कर रहा है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस संक्रमण से बचाया जा सके, लेकिन पूर्वी सूबों में लोग कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाह है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि सुबह के वक्त जो सब्जी बाजारों में लोग जो घूम रहे हैं बिना मास्क के, कई ऐसे सब्जी दुकानदारों को भी आज गिरफ्तार किया गया, मिठाई की दुकान वाले को भी गिरफ्तार किया, मास्क उतारा हुआ के चाय पिला रहे थे और वो मिठाई की दुकान में मिठाई खिला रहे थे। हालांकि पार्सल देने की बात है, जो भी मिठाई की दुकान है स्वीट्स की दुकान है उसमें पार्सल देना, लेकिन वो सोनारी और कदमा के क्षेत्र में खिला रहा था तो उसको लेकर कार्रवाई की गई है। लेकिन हमें आम आदमी को सोचना होगा, इतनी कड़कड़ाती धूप में आम आदमी की सुरक्षा के लिए जो प्रशासन के लोग मुस्तैद है, हर चेक नाके पे चेकिंग कर रहे हैं, जो बिना ई पास के उनको समझा बुझा कर 2 दिन तो छोड़ा गया लेकिन कल से फाइन काटा जा रहा है, 1 व्यक्ति पर 500 रुपये फाइन काटा जा रहा है। तो प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रहा, आम आदमी को अपनी सहभागिता इसमें देनी चाहिए ताकि हम इस कोरोना महामारी। चलिए प्रभात, तो सख्ती तो बढ़ती जा रही है, थोड़ी और लोगों को प्रशासन को सहयोग करने की जरूरत है ताकि इस ग्राफ को हम पूरी तरीके से नीचे गिरा दें। धनबाद से दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। दिलीप, आंकड़े राहत देने वाले हैं, फिलहाल पूरी तरह से तो नहीं लेकिन कम होते आंकड़े ये संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थिति अच्छी हो सकती है। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लागू रखा गया है तो शायद ये उम्मीद भी जग रही है लोगों में। देखिए, बिल्कुल लोगों में उम्मीद बढ़ रही है और उम्मीद बढ़नी भी चाहिए क्योंकि कोरोना को हराने के लिए हिम्मत की भी जरूरत है। सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लोग भी सहयोग कर रहे हैं और धनबाद में भी लॉकडाउन का असर दिख रहा है, लोग घरों से निकलना बंद कर दिए और दूसरी ओर जहां ई पास नहीं रहने कारण कई लोगों को फाइन भरना पड़ा है, जिसके कारण एक सतर्कता लोगों के अंदर आई है, बिना वजह सड़क पर नहीं घूम रहे, भीड़ भाड़ कम हो रहा है। और एक राहत देने वाली खबर यह भी है कि काफ़ी दिनों बाद एक सुकून देने वाली खबर धनबाद में आई है कि कोरोना बीमारी के इलाज के लिए जो मरीज भर्ती हुए थे कल एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है जी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोरोना को धीरे धीरे मात दिया जाए और जिस तरह से राज्य सरकार भी पहल कर रही है, जिला प्रशासन भी पहल कर रही है, इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही और इस जो जिस तरह से सुरक्षा सप्ताह में थोड़ी सी सख्ती बरती गई है, लोगों के अंदर एक भावना जो आया कि सरकार को इस सख्ती में समर्थन देना है, इसका भी फायदा होता दिख रहा है, चाहे वो बॉर्डर के इलाके हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पे शक्ति का असर दिख रहा है, लोग भीड़भाड़ नहीं लगा रहे, तो इससे कोरोना संक्रमण का दर भी घट रहा है और लोगों को इसका फायदा भी दिख रहा है जी। ऐसे चलिए, फायदा तो हो रहा है। अंजनी, आंकड़े तो अच्छे आ रहे हैं, अब धीरे धीरे संक्रमण की दर कम हो रही है, मौतों की संख्या भी कम हो रही है, राहत वाली ये खबर, लेकिन इन सब के बीच अंजनी एक परेशानी वाली बात है, ब्लैक फंगस, इसे लेकर कितना तैयार है विभाग, क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो हैं इतने संख्या में कि मरीजों की संख्या अगर बढ़ती है आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार ये बढ़ रही है संख्या, तो उनका ट्रीटमेंट हो सके। देखिए, ब्लैक फंगस जो है इसके जो मरीज हैं पूरे भारत में काफी संख्या में मिल रहे हैं और रांची में, झारखंड में भी मरीजों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि जो कोरोना पॉजिटिव हुए उसके बाद वो ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं। तो देखिए, जो स्वास्थ्य सचिव हैं अरुण सिंह, उन्होंने कल न्यूज़ 11 से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से बातचीत हो रही है और इसकी जो एप्रोप्रिएट जो दवा है वो जल्द ही झारखंड में सभी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अवेलेबल हो जाएगी।
क्योंकि देखिए ये यदि प्रॉपरली यदि इसका इलाज नहीं हुआ तो मरीज की जो है मौत हो जाती है। और ये हम झारखंड में कह सकते हैं कि अब तक 2 ब्लैक फंगस मरीजों की मौत हो चुकी है, और रांची के रिम्स में भी इलाज चल रहा है और जमशेदपुर में भी मरीजों का इलाज चल रहा है। तो देखिए ये मुख्य तौर से देखेंगे कि जब कोरोना पॉजिटिव मरीज जब ठीक होते हैं तो उनके आँखों में संक्रमण फैल जाता है, और जिसके वजह से यदि सही समय में डॉक्टर के पास नहीं पहुँचे तो ये दिमाग में भी पहुँचता है और मरीज की मौत हो जाती है। तो मतलब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, जो भी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उन्हें अपना विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। यदि किसी भी तरह का आँख में प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से तुरंत बातचीत करनी चाहिए। तो ये एक मतलब हम कह सकते हैं, देखिए ब्लैक फंगस पहले भी होता था लेकिन अभी जब कोरोना के संक्रमण से कोई मरीज ठीक हो रहा है वो पीड़ित हो रहा है तो ये एक मतलब यानी लोगों को पोस्ट कोविड सिम्टम्स पर भी ध्यान रखना होगा और उस दौरान अपना खास ख्याल रखना पड़ेगा, खासकर वैसे लोग जिन्हें हार्ट की बीमारी या डायबिटीज है। प्रभात, टीकाकरण एक उपाय फिलहाल तो अभी नजर आ रहा है वैक्सीनेशन, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अभी भी जागरूक नहीं है, कई तरह की अफवाहें हैं प्रभात, लोग आगे नहीं आ रहे, कई जगहों पर सेंटर्स में भीड़ नहीं है, खाली रह जा रहे सेंटर, वैक्सीन के लोग नहीं पहुंच रहे, किस तरह की कोशिश और प्रशासन की तरफ से दिख रही या क्या और कोशिश होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूरवर्ती इलाकों में टीके के लिए आगे आए? बिल्कुल आशा, देखिए पिछले दिनों मैं एक गांव का भ्रमण किया था और वहां का गांव का हाल दिखाया था, तो गांव में लोग अभी भी जागरूक नहीं है, लोग वैक्सीन को लेने से डरते हैं, कतराते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने जो क्षेत्र के वीडियो सीओ को, जो मुखिया है, जो जिला पार्षद है, जिला पार्षद उपाध्याय, इन लोगों को टास्क दिया है कि गांव में जाकर कम से कम इन लोगों को मोटिवेट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लोग लें, और वैक्सीन ही एकमात्र इसका उपाय है जो अभी जो चल रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र में थोड़ी हम ये कह सकते हैं कि रेशियो जो है वैक्सीनेशन का कम है, लेकिन ये वैक्सीनेशन गांव की जो प्रधान है या गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आगे आना होगा, तब जाकर हम ये कहेंगे कि गांव में भी लोग वैक्सीन लगा रहे हैं। और अब तो आंकड़े गांव की ओर भी बढ़ने लगे हैं, गाँव में भी अब पॉजिटिव 200 से ज़्यादा पॉजिटिव, कल के अगर हम बात करें तो 200 से ज़्यादा पॉजिटिव गाँव से मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय है, जैसे पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा था, जितने भी उपायुक्तों के निर्देश दिया था कि गांव की ओर फोकस करें। पिछले दिनों जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री यहां मीटिंग किया था, वर्चुअल मीटिंग, उन्होंने भी कहा था कि धनबाद का प्रभारी रहते हुए उन्होंने कहा कि गाँव के तरफ आप ज़्यादा फोकस करें, तो यहाँ भी गाँव की ओर फोकस करने की बात कही गई है। लेकिन अब ये देखना है कि गाँव की ओर कितने लोग मोटिवेट होते हैं और कितने लोग वैक्सीन लेते हैं, लेकिन मात्र एक ही इसका उपाय है गाँव का लोगों के लिए वैक्सीन, क्योंकि गाँव के लोग जो आदि भोले वाले आदिवासी हैं उनको भड़का दिया जाता है और वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो गाँव के प्रधान हैं, उन लोगों को आगे आने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा सके और इस गांव में जो फैल रहा है कोरोना को रोका जा सकता है। इसीलिए पिछले बहुत सारी ऐसी भी बातें आई थी कि आशा गांव के लोग नशे की आदि होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि हम वैक्सीन ले लेंगे तो हमें हमारी नशा बंद हो जाएगा, तो ये भी एक कारण है जो गांव में लोग वैक्सीन सेंटर तक नहीं पहुंच रहे। तो ऐसे लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनको काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, और वो भी उनके भाषा के माध्यम से। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो प्रधान है या फिर गाँव के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके भाषा में उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन सेंटर तक पहुँचे और वैक्सीन ले, और साथ ही साथ कोरोना टेस्ट भी कराएं और अपने आप को सुरक्षित भी रखे गांव में। पिछले साल अगर 2020 की अगर हम बात करें तो गांव में किसी को घुसने का इजाज़त नहीं देते थे, गांव के खुद लोग अपने मेन रोड में आके बैरिकेडिंग कर देते, चाहे गाँव से लोग बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर के लोगों को गाँव में नहीं आने देते। इस बार वो दृश्य हमें देखने को नहीं मिला, मैंने 2-3 गाँव का भ्रमण किया था, ऐसा दृश्य कहीं नहीं, आराम से आप गाँव के अंदर जा सकते हैं, गाँव के अंदर से निकल सकते हैं। जब हमने इसे बातें पूछी थी कि भाई ऐसा क्यों है, तो लोग बोल रहे हैं कि ये बात लोगों का दिमाग में बैठ गया कि कोरोना उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से 2020 में था, लेकिन कहीं ना कहीं 2020 का कोरोना और 2021 का कोरोना में बहुत अंतर है, बहुत ही इसका जो स्ट्रेन है बहुत ही हार्ड है, या ये कहेंगे कि बहुत जल्दी रिएक्ट करता है लोगों के शरीर पर। तो ऐसे में गाँव के लोगों को भी थोड़ी मोटिवेट होने की जरूरत है, तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ हम कोरोना की जंग
को हम जीतेंगे अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेस्टिंग कराएंगे। और गांव में ये दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे कल जैसे हमारी कुछ मुखियाओं से बात हो रही, तो उन लोगों का कहना था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गाँव में इस तरीके से कैंप लगा के लोगों को मोटिवेट किया जाए और जो वैक्सीन के लिए तैयार किया जाए। जो जिला पार्षद जो है उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भी कल गाँव का भ्रमण करने की बात कही कि गाँव में जाकर वहाँ कैंप लगाएंगे, टेस्टिंग कराएंगे और लोगों को मोटिवेट करेंगे, जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि लोग वैक्सीन के लिए आगे आएं। शहरी क्षेत्रों में लोग जागरूक हैं, पहुंच रहे वो सेंटर्स, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी ग्राफ बहुत अच्छे नहीं है वैक्सीनेशन के। चलिए दिलीप से भी इस बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। आप सभी बने रहिए हमारे साथ।